तो चलिए आज हम लोग करने वाले हैं रामसंस रेडियो का टियर डाउन, ताकि हम लोग देख सकें कि इसके अंदर क्या क्या है और मैं आपको भी दिखा सकूं क्या क्या है इसके अंदर। तो मुझे भी कुछ जानकारी मिलेगी, आपको भी कुछ जानकारी मिलेगी और रामसंस रेडियो का क्वालिटी कैसा होता है ये आपको इसके सर्किट बोर्ड में लगे आईसी से पता चल जाएगा। तो चलिए एक बार इसका टियर डाउन करते हैं और इसे खोलते हैं। तो इसे टियर डाउन करना है तो खोलना होगा हमें इसे। उसके लिए हमें इसका जो है बैटरी कंपार्टमेंट है इसको जेंटली थोड़ा सा, ये जो दो एरो बना है इन दोनों एरो के पास थोड़ा सा दाबेंगे तो ये ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा बिना किसी टेंशन के। काफ़ी लोगों को इसे लगाने में दिक्कत होती है लेकिन इसको लगाना भी आसान है। ये देख सकते हैं ये जो दोनों खाँचे बने हुए दोनों साइड में, पहले तो आपको बाहर बाहर ही इसको एडजस्ट कर लेना है एकदम बराबर से। ठीक, अब क्या करना है आपको बीचों बीच से इसे धकेल देना है अंदर और फिर जिस साइड ना लगे उस साइड थोड़ा सा दबा देना है, बस ये लग गया अच्छे से। और जब अब निकालना है तो वही इसके जो एरो दिए हुए ये वाले, इस पे दाब के खींचना है धीरे से और इस पे भी दाब के धीरे से खींचना और ये खुल जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे दो स्क्रू हैं जिसे कि हमें खोलना पड़ेगा और यहाँ पर भी दो स्क्रू हैं इसके अंदर, एक यहाँ है और एक यहाँ, यानी टोटल चार स्क्रू है जिसे खोल के ये खुल जाएगा। चलिए खोलते हैं इसे। ताकि आप सभी देख सकते हैं ये हमारा रामसंस रेडियो जिसका अभी मैंने टियर डाउन किया है। तो देख सकते हैं इसमें पीछे एक साइड बैक पैनल में मैंने 2400 mAh की ये दूसरी बैटरी फिट की थी जो कि मैंने वीडियो में आपको बताया था कैसे करते हैं। ये रहा चार्जिंग सॉकेट जिसका पावर जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारा चार्जिंग मॉड्यूल से और उसी से पावर गया है बाहर। और ये देख सकते हैं ये वही स्विच है जो कि मैंने पीछे में इसके ऐड किया था जिससे कि हमारा ये वाला स्विच ख़राब होने का काम जो डर है वो ख़त्म हो जाए। तो ये सब पीछे का व्यू था इसका। और ये देख सकते हैं ये रहा इसका एंटीना जो कि फ़िलहाल तो टूट चुका है और लेकिन यहाँ पे ये नट के सहारे अभी भी लगा के रखा था मैंने ताकि कोई एक्सटर्नल एंटीना इसमें जोड़ सकूं। यहाँ देख सकते हैं ये है इसका सर्किट बोर्ड, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में है एकदम, मतलब नया नवेला, क्योंकि इसे मैंने काफ़ी अच्छे से साफ़ जगह पे रखता हूँ, गंदा नहीं होने देता। और ये रहा इसका स्पीकर। तो यहाँ देख सकते हैं इसमें जो आईसी लगी है वो मैं आपको एक बार दिखा दूँ। तो अगर आप ध्यान से हाई, अगर वीडियो के रिजोल्यूशन को अगर आप हाई कर लें तो आपको पता चलेगा कि ये सोनी की आईसी है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ उसे घुमा के, देखिए अभी आपको आसानी होगी। देखिए अगर आप पढ़ पा रहे होंगे तो इस पे सोनी लिखा हुआ है, हाँ अभी आपको अच्छे से विजिबल होगा। तो यहाँ पे सोनी लिखा हुआ है, ये सोनी का CXA1619RS का एक आईसी है जिसपे कि ये हमारा पूरा रेडियो का सर्किट बेस्ड है और ये बैंड स्विच है इसका। और बाद बाकी यहाँ देख सकते हैं आप ये सभी इसके कंपोनेंट्स हैं और यहाँ पे ये इसका फेराइट कॉइल है। बस यही था फ्रेंड्स इसके अंदर। और बाद बाकी तो इसमें बैटरी का स्लॉट दिया हुआ है यहाँ पे जो कि खाली है, तो फिलहाल मैं इसे आपको बंद करके एक बार चला के दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स मैं एक चीज़ आपको दिखाना भूल गया, वो है यह वाला पेन जिसे कि मैंने आपको बताया था एक मॉडिफिकेशन वीडियो में कि ये ट्यूनिंग स्केल का जो नॉब होता है, जो मतलब पॉइंटर होता है जो घूमते ट्यूनिंग स्केल पे आगे पीछे होता है, उसका हिलना डुलना कैसे बंद करते, उसके लिए मैंने ये पेन लगाया था जिसके चलते कि आप जानते ही हैं वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कैसे उसका हिलना डुलना जो है वो बंद हो चुका है। चलिए एक बार मैं आप उसको बंद कर देता हूँ फाइनली। तो आप देख सकते हैं मैंने जो है इसे वापस से नट लगा दिया है और यहाँ पर बाद बाकी इसका सेलेक्टर हो गया, ये इसका लाइट हो गया जो कि कनेक्टेड है डायरेक्ट वो हमारा चार्जिंग मॉड्यूल से, और ये रहा चार्जिंग सॉकेट और ये रहा वो स्विच जो कि मैंने आगे वाले स्विच को बचाने के लिए लगाया था ताकि हम लोग पीछे से इसे ऑन ऑफ कर सकें। बाद बाकी तो ये रहा इसका वो ढक्कन और यहाँ तीन बैटरी लग सकती है लेकिन चूँकि मैंने रिचार्जेबल बैटरी लगा चुका है तो उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो चलिए इसे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं और ये हो गया जुड़ गया। अब चलिए एक बार मैं इसे आपको सुनाता हूँ, देख सकते हैं यहाँ से नहीं यहाँ पीछे से, यहाँ देख सकते चालू हो गया। अभी कॉपीराइट आ सकता है इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं सुनाऊँगा लेकिन फिर भी आपको सुना देता थोड़ी सी वॉइस क्वालिटी की, देख सकते हैं एकदम परफेक्ट काम कर। काफ़ी सारे अभी इस ये रेडियो मैंने 500 खरीदा था, अभी भी मुझे अभी भी ये रामसंस का रेडियो मुझे 500 मिल जाता है और काफ़ी सारे रेडियो इसी प्राइस रेंज में आपको चाइनीज़ के कोई चाइनीज़ का आईसी पकड़ा देते हैं लेकिन ये रामसंस जो है इसमें सोनी की आईसी आती है ओरिजिनल, कोई कॉपी नहीं है और साथ ही साथ चाइनीज़ ब्रांड भी नहीं पकड़ाया जाता। इस हिसाब से ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा ये बात, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है किसी भी रेडियो में, जिसके चलते यह रेडियो इतना अच्छा है। और देख सकते हैं बस इसमें एक चीज़ है अलग,
जो बाकी स्पीकर्स में शायद बाकी रेडियो में मिल जाती हैं, वो है इसका ये ग्रिल। ये प्लास्टिक का है पूरा। अगर ये मेटल का रहता तो और अच्छा होता, क्योंकि पहले भी आते थे मेटल के इसके इसके बजाय। तो कोई बात नहीं, 500 के हिसाब से ठीक ही है अभी के हिसाब से, अभी क्योंकि हर चीज़ का प्राइस बढ़ा हुआ है। तो आपको कैसा लगा वीडियो फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।